हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सेकेंड वीडियो ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज डायरी सीरीज इट्स अबाउट फेडाई एंड इट्स रूल्स रेगुलेशंस। फ़ॉरेन एक्सचेंज डायरीज का ये हमारा सेकेंड टॉपिक है चलिए शुरू करते हैं first of all we are going to know about fedai and its constitutions. the full form of fedai is foreign Exchange dealer association of india it was formed in august 1958 with the approval of rbi fedai इज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फेडाई का मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक यूनिफॉर्म रूल डेवलप करके एंड उसको अप्लाई करके जो ऑथोराइज डीलर कस्टमर अदर प्लेयर्स है उन लोगों को सेफ गार्ड करना डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलपिंग फेडाई इज डूंग सम अदर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब लाइक बेंच मार्क रेट अनाउंसमेंट बेस रेट ऑफ एफ सी एनआर बी डिपोजिट एंड में फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी और एसेट का रेट का डिक्लेयर करता है उसके सिवा हर दिन शाम को जब क्लोज होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तब एनओपी नेट ओपन पोजिशन को कैलकुलेशन करने के जो रेट है वो भी करता है अब थोड़ा सा जानेंगे एफ सी एनआर बी डिपोजिट के बारे में एफ सी एनआर बी डिपोजिट का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन बैंक अकाउंट ये अकाउंट होता है बेस रेट है वो फेडाई डिक्लेयर करता है जो एडी लोग है या जो मार्केट प्लेयर है फॉरन एक्सचेंज का वो लोग पूरा महीना बहुत सारे एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में तो ये जो लाइबिलिटी एंड एसेट क्रिएट होता है वो इंडियन रुपीस में कितना उसका लाइबिलिटी है ये एसेट है ये कैलकुलेशन करने के लिए जो रेट चाहिए वो रेट फेडाई डिक्लेयर करता है मार्केट so, ओपन होता है तब से लेके शाम को जब मार्केट बंद होता है एडी मतलब ऑथोराइज डीलर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन होता है मतलब परसेज ट्रांजेक्शन होता है कुछ सेल ट्रांजेक्शन होता है मतलब वो फॉरन एक्सेंस बाई भी करते हैं फॉरन एक्सेंस सेल भी करते हैं तो शाम को जब मार्केट क्लोज होता है

चलता है इसके सिवा कस्टमर के साथ जो बिजनेस है वो बिजनेस सुबह नौ बजे से शुरू करके शाम साढ़े चार बजे तक चलता है नेक्स्ट क्रॉस करेंसी के लिए ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन इंडियन मार्केट में नहीं फॉरेन मार्केट में मार्केट के साथ होता है तो जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है तो बहुत कंट्री में उन लोगों का मार्केट ओपन होता है तो क्या हुआ इंडियन मार्केट जब चार पांच बजे क्लोज होता है अगर वो क्रॉस करेंसी का भी मार्केट पांच बजे क्लोज कर दिया जाए तो बहुत सारे ओपन पोजीशन पड़ा रहेगा इसीलिए क्रॉस करेंसी में ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है तो क्या होता है क्रॉस करेंसी मान लीजिए आप जापानीज येन खरीद करना चाहते तो आप बैंक में गए तो बैंक बोला हाँ मैं येन दे सकता यू लेकिन वो येन तो इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा मुझे आपको टोक्यो मार्केट से आप जापानी येन खरीद करके देना पड़ेगा और टोक्यो मार्केट में इंडियन रूपीज नहीं चलता है टोक्यो मार्केट में डॉलर चलता है तो क्या हुआ आप इंडियन रूपीज देंगे बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा वो डॉलर लेके वो टोक्यो मार्केट जाएगा वो टोक्यो मार्केट से आपको येन खरीद करके देगा तो इसको बोलते हैं करें ओके okay. इसके सैटर भी दो तरह का हॉलीडे होता है, holiday. Holiday क्या है? Holiday, जो holiday आपको तीन दिन पहले से पता होगा मतलब हॉलीडे होने से तीन दिन पहले से आपको पता होगा जो उस दिन हॉलीडे है तो ये कहते हैं नॉन हॉलीडे और अगर वो नॉन हॉलीडे नहीं है वो है सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे मान लीजिए मंडे एंड थर्सडे ये वर्किंग डे था लेकिन आपको मंडे को पता चला गुरुवार को छुट्टी है तो ये जो गुरुवार का छुट्टी है इसको बोलेंगे सडनली डिक्लेयर्ड गुरुवारे बिकॉज गुरुवार और मंडे के बीच में सिर्फ दो दिन है तो आप तीन दिन पहले से आपको पता नहीं था ये गुरुवार छुट्टी है इसलिए गुरुवार की छुट्टी को हम लोग सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे बोलेंगे अगर आपको मंडे से पहले सपोज फ्राइडे को आपको पता था कि गुरुवार को छुट्टी होगा तो ये नॉन हॉलीडे फेडाई में टोटल आठ रूल को डिस्कस किए हैं बाकी जो सात रूल्स है वो रूल्स फॉरेन एक्सचेंज का जो बुक है या सिलेबस है सिलेबस का 80 परसेंट कम्प्लीट कर ये बाकी जो सात रूल्स है ये रूल्स के बारे में एक एक करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर के साथ जानेंगे फिलहाल ये जो बाकी सात रूल्स है ये सात रूल्स क्या है किस काम पे आता है वो जान लीजिए फिर हम लोग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर के साथ विद एग्जाम्पल हम लोग ये सारे के सारे रूल्स को डीपली जानेंगे सेकेंड रूल्स अबाउट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन परसेसिंग डिस्काउंटिंग नेगोशिएटिंग क्रिस्टलाइजेशन डिजोनर ऑफ बिल नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड फिक्स डेट ये सब क्या है कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है Rules number three, import transaction के बारे में बताया गया है। import कैसे डिस्काउंटिंग करना है स्टाम्प ड्यूटी क्या है ये सारे चीज के बारे में बताया गया है रूल्स नंबर फोर इज अबाउट क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्या है जो बिल नहीं है तो जिसके साथ बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है या कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कनेक्टेड नहीं है तो इसको बोलते क्लीन इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉरेन करेंसी चेक टी करेंसी नोट्स प्रीपेड कार्ड ये सारे चीज को क्लीन इंस्ट्रूमेंट बोलते है तो रूल्स नंबर फोर ये क्लीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए हैं रूल्स नंबर फाइव फॉरन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किए हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करते हैं ये सारे चीज के बारे में बात करते हैं रूल नंबर सिक्स बात करते हैं आर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ये सारे चीज के बारे में रूल्स नंबर सेवन बिजनेस थ्रू इंटरमीडिएटरी मतलब एडी लोग डायरेक्टली बिजनेस ना करके ये लोग इंटरमीडिएटरी माध्यम से जब बिजनेस करते हैं तो इंटरमीडिएटरी कैसे होगा कौन होगा उसको कैसे पैसा दिया जाएगा ये सारे चीज के बारे में बात की मेनली फॉर एक्सचेंस मार्केट में जो इंटरमीडियस होता है वो है एक्सचेंज ब्रोकर मल्टी बैंक पोर्टल ऑर्डर मैचिंग ये सारे चीज इन लोगों को कैसे फीस देना है कैसे ब्रोकरेज देना है क्या चार्ज देना है ये सब के बारे में रूल नंबर सेवन बात रूल्स नंबर एट इज अबाउट इंटर बैंक सेटलमेंट इंटर बैंक का सेटलमेंट कैसा होगा इसके बारे में रूल नंबर एट बात की है ये दो बैंक के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो अगर डिले होगा रॉन्ग डिलीवरी होगा फंड टाइम लिमिट में अगर वो क्लेम नहीं मिलेगा सेटलमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होता है क्या है इसका रिलेज ये सारे बात रूल्स नंबर एट में बताया गया है आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया फेड के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कोटेशन थैंक यू If you like my video, please like, share and comment and subscribe my channel. और भी अच्छे-अच्छे video, foreign exchange के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए, even IBF के सर्टिफिकेट के बारे में और भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you.